देश के अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जहां एक तरफ मुकेश अंबानी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा है, तो वहीं अब ठीक इससे पहले भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव ने भी मुकेश अंबानी को निशाने पर लिया था। चलिए सुनवाते हैं आपको पहले ये बाइट जो कि खेसारी के बारे में कही जा रही बातों को पुख्ता साबित कर रही है। दुनिया अपने बेटी बेटी के ब्याह में करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, 100-100 करोड़ खर्चे हो रहे हैं, लेकिन बिहार में रोजी के लिए हम तरस रहे हैं। दूसरे स्टेट में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाकर काम करते हैं और वहाँ भी सम्मान की ज़िंदगी हमें नहीं मिलती है। तो दो रोटी कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन सम्मान के साथ कमाना भी है। हमें हर आदमी लबारी समझ रहा है, कोई कुछ भी। मुकेश अंबानी का हालांकि खेसारी ने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, मगर हाँ इशारों इशारों में साफ बयां हो रहा है कि उनके निशाने पर कारोबारी ही थे। बताते चले आपको, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जिस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।